हे गाइस, क्या हाल, आपका स्वागत है बीच माइक को वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज होने वाली है लास्ट जोन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट। फिलहाल गाइस मैं जा रहा था पोचिंग की, मैं सोलो से स्क्वाड में एक गेम खेल रहा हूँ और गाइस लास्ट की जो फाइट होने वाली है भाई 1v9 है, आपको वो देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा भाई किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो जब आप अकेले बच्चे हो स्क्वाड में, और गाइस हर जगह से भाई मेरे को ही पढ़ने वाली है। तो गाइस वो सीन जरूर देखना भाई मैं किस तरीके से बचता हूँ। फिलहाल गाइस मैं पोचिंग की में आ चुका था, सामने बॉट दिखता है, इसको मारते हैं और इसी से भाई हम गेम की शुरुआत करेंगे। अब गाइस देखो हमने बॉट मारा है ना, तो भाई पक्का ये गेम चिकन निकलने वाला है, डोंट वरी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आया था स्क्वाड हाउस साइड और यहाँ सामने ना एक बंदा है, ये देखो आपको दिख ही गया होगा। अब गाइस इसको मारता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा वेट करता हूँ भाई कि इसको पहले ना अपना मतलब मेरे रेंज में आने, तो उसको तब जाके मारेंगे। और इसी चीज़ का भाई मैं वेट कर रहा था कि जैसे ये कूदेगा इसको पकड़ूंगा मारूंगा। और गाइस इसको थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, इसको उठाते हैं भाई जरा। तो गाइस आपको ये चीज़ मतलब अच्छी लगती है नहीं लगती, मतलब मैं वीडियो में ऐसे डालूं मतलब ट्रोलिंग व्लोलिंग कर लूं थोड़ा सा, मतलब इनको उठा उठा के भाई ऐसे देखो इसको चेक में, जैसे मैंने बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ऐसी करूँ चीज़ें नहीं करूँ, ठीक है, कमेंट में बताना। उसके बाद गाइस मैं देखो वेट करता हूँ, इसका बंदा आता है और इसीलिए भाई मैं ट्रोल करता हूँ, यही रीज़न है, ठीक है, ताकि भाई इनके बंदे मतलब जले और आए, ठीक है। तो गाइस इस वाले को तो मैं मार चुका हूँ अंदर, वैसे ही मैंने बंदा रख रखा है, ठीक है, वो अभी भी अंदर ही है शेक के अंदर, और इसका बंदा भाई बगल वाले घर के अंदर है, ठीक है। तो उसका भाई थोड़ा मतलब ख्याल व्याल रखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे आता हूँ मैं, सो गाइस वो बंदा नेड कर देता है यहाँ पर। सो अब यार मेरी बारी है नेड करने की, ठीक है। सो गाइस देखो कितना परफेक्ट नेड होने वाला है, ये परफेक्ट नहीं था, मतलब इसके बाद वाला परफेक्ट होने वाला है भाई, थोड़ा सा मतलब हिल गया वो लास्ट में भाई, मतलब मुंह के सामने ही फटा है बंदे के, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला बंदा भाई MRX OP लिखा था इसने भाई, चलो ठीक है यार MRX तो OP है तुम OP नहीं हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो बॉट मेरा किल चुरा था, तो भाई ये बॉट मतलब ले ही गया था मेरा किल, बस यार एक गोली मारी मैंने उसको, मर गया वो, नहीं तो भाई एक गोली अगर बॉट मारता ना तो गाइस निकल चुका था मारा किल। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ, सामने बंदा मेरे को दिखता है, इसको भाई नॉक कर देता हूँ, फिनिश भी कर दूंगा यहाँ पर। अब गाइस यहाँ से मैंने M24 ले ली थी क्योंकि मेरे पास 6x पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना M24 ली जाओ भाई, M24 से कड़ाके के हेडशॉट आपको दिखने वाले हैं, डोंट वरी भाई, अभी देख रहो रेडी हो जाओ हेडशॉट देखने के लिए। सो गाइस यहाँ पे था मैं और सामने भाई स्क्वाड हाउस के ऊपर है बंदा, एक नॉक पड़ा है, ठीक है। इसका किल चोरी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो इसका किल मैंने चुरा लिया, उसके बाद सामने एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है गाइस, लेकिन उस पर गोली नहीं लगती, गोली यार रेलिंग पे लग जाती है, उसके बाद तो बच ही आता है। और गाइस कुछ बंदे यार इस वाले स्क्वाड हाउस में भी है, तो उनको भी देख के रहना पड़ेगा कि यार कहीं पता चल रहा है मैं इन पे यहाँ पे बिजी हूँ और वो मेरे को ही ख़त्म कर दे, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे को फिर से बंदा स्पॉट होता है जो कि यार बालकनी में आ चुका था, तो इसको हेड चिपकाता हूँ मैं, उस पर है भाई लेवल 3 का हेलमेट, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, उसका जो लेवल 3 का हेलमेट है भाई तोड़ देंगे हम, अभी देखो कैसे कितने स्टाइल से स्नाइपिंग होगी, ठीक है। तो बंदा फिर से स्पॉट हुआ मेरे को, मिस हो गया भाई, अब नहीं होगा, ठीक है, एक पड़ी। और इस वाली चीज़ के लिए तो भाई यार लाइक कर दो, अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं की वीडियो भाई लाइक ठोक दो इसके लिए, मतलब तीनों बार हेडशॉट ही मारा मैंने, ऐसा नहीं कि भाई बॉडी शॉट मारा होगा। सो गाइस अब क्या करेंगे, अब सीधा गाड़ी उठाऊंगा और भाई रश मार दूंगा और वहाँ जाके ना होने वाली है गड़बड़। एक तो गाइस मेरे को यार ये ओपन टॉप वाली छत की जो गाड़ी है ना भाई, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब इस पर यार अगर तुम आंख बंद करके स्प्रे मारोगे ना तो भी यार बंदा गिर जाएगा, मतलब नॉर्मली स्प्रे मारो बंदा गिरता ही गिरता है भाई, कुछ है नहीं इसमें वैसे भी कवर। सो गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ इस घर की छत पर चढ़ूंगा जैसे बाकी बंदे चढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लूट भी रहा हूँ मैं। लेकिन गाइस एक और है यहाँ पर, सो यार मेरे को लगा उस बंदे का ना दूसरा टीममेट जो है यहाँ पर नहीं होगा, उसी स्क्वाड हाउस में होगा, इसलिए भाई मैं यहाँ पर आया था। बट यार इस बंदे का टीममेट या लाल वाले घर में था, मेरे को पता ही नहीं थी ये बात, ठीक है, बट कोई बात नहीं गाइस, इन दोनों को फिनिश कर देते हैं। अब गाइस यहाँ से होने वाला है सीन चालू, बस अब यहाँ से ध्यान से देखना पूरी वीडियो भाई। यहाँ पे देखो स्क्वाड हाउस में मैंने रश किया, ऊपर बंदे हैं, ठीक है, मैंने मौली खींची डाल दी। अब गाइस यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यार कुछ हो और भाई मौली अपना काम कर देती है। ऊपर गाइस कोई दूसरा बंदा था, ठीक है, मतलब ये 2 स्क्वाड है, मतलब एक बंदा वहाँ है एक बंदा नीचे है।
अब यार इस पर मैं नेड कर रहा था लेकिन ना कभी आगे आ रहा है कभी पीछे आ रहा है, सो मैं सोचता हूँ इस बार भाई कुक करके पूरा ढाली दूँ। ठीक है फटेगा तो फटेगा, बच गया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई भाई, नेड तो यहीं छूट गया। तो भाई इसको भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और भाई ये दोनों बंदे अलग अलग स्क्वाड के थे पता नहीं, वो तो मतलब डायरेक्ट ही क्या था। ठीक है वो जो ऊपर छत में था, और भाई ये भी डायरेक्ट क्या पता नहीं क्या ही कर रहे थे यहाँ पे सोलो बंदे। सो भाई इनको ख़त्म कर देता हूँ। अब यार बाकी बंदों का यहीं पर मैं वेट करता हूँ स्क्वाड हाउस में, क्योंकि यार यहीं पर जोन था, ये बीच में थी बिल्कुल जोन के, और यहाँ पर होने वाली है बहुत बड़ी तबाही। सो भाई सीन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो यार मैं कर रहा था यहाँ पे बंदों का वेट, और यार मेरे पे हो जाता रश। सो गाइस दो बंदे यहाँ पे रश करने आए हैं, और भाई बाद में मेरे को पता चलता है कि ये दो तो भाई स्क्वाड हाउस में मतलब मेरे पे रश करने आए हैं, लेकिन यार दो बंदे ना सामने से भी मतलब पीछे की तरफ से जहाँ पे नदी है ना उस रिज की तरफ से भी मेरे पे एंगल लेके बैठे हुए हैं। ठीक है आपको अभी पता चल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, AKM उठा देता हूँ, क्योंकि यार M24 का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। और मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे रह रहा था, इधर ना स्मोक फेंक रहा था ताकि यहाँ से कोई एंगल ना मिले। लेकिन भाई पीछे वाले बंदे इसको मारते हैं और फिर मेरे पे भी चिपका देते हैं। सो गाइस यहाँ पे रहने का कोई मतलब मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा था फायदा वायदा, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं फिर। ठीक है और यार यहाँ पे होने वाली एक और गड़बड़, क्योंकि यार यहाँ पे एक और बग्गी ने रश मार दिया। सो गाइस मैं क्या करता हूँ अपनी M24 उठा लेता हूँ वापसी, और मेरा प्लान था यहाँ से भगने का, लेकिन भाई अगर इस बंदे की बग्गी गैराज पे नहीं ठुकती भाई सीधा मेरी तरफ आती तो भाई क्या ही होता, मतलब हवा में मैं वैसे ही मर जाता। सो गाइज लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं बच जाता हूँ और यार यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो गाइज़ आप लोगों को भी ऐसे करना है, अगर आपको लग रहा है भाई सिचुएशन कभी मतलब ऐसी है कि यार आपसे संभलेगी नहीं, ठीक है तो भाई भग जाओ वहाँ से, कोई बात नहीं बाद में मार लेना उनको। ठीक है अपनी गाड़ी ऐसी जगह रखो जहाँ से भाई स्किप करने में आपको ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, जैसे मैंने रख रखी थी भाई वहाँ पे मतलब पहले से थी। ठीक है सो मेरे को वो तो पता ही थी कि यार गैराज के अंदर गाड़ी है, इसलिए भाई मैं वहाँ से भग लेता हूँ। लेकिन गाइज़ यहाँ पे भाई एक और ट्विस्ट है भाई, यहाँ पे देखो मैं चैन से आता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा था हील कर रहा था। ठीक है इंजेक्शन मार रहा था। अब मैं अपनी M24 भी यार रिलोड कर लेता हूँ, और मेरा यहाँ पे मतलब ये सोचना था कि यार यहाँ से ना एक और बंदे को मैं नॉक कर दूँ, लेकिन भाई भाई कोई बंदा पीछे MG3 लेके बैठा हुआ है, वो तो भाई किस्मत अच्छी रही कि उसकी भाई कुछ बुलेट्स मिस हो गई। आधी हेल्थ में हूँ यहाँ पे, मैं सीधा भग लेता हूँ भाई यहाँ से, और यहाँ पे भी बंदे हैं भाई, अब करूँ तो करूँ क्या बताओ। लैग देखो भाई लैग कैसे हो रहा है, मतलब आपको तो मतलब इतना लग नहीं रहा होगा लेकिन भाई खेलते टाइम ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भाई इस टाइप का लैग बहुत खतरनाक होता है। भाई पिंग पे एक बार नज़र डालो, 96 और 100 के बीच में रहती है, और यहाँ पे भाई अब होने वाले नेड मेरे पे। तो यार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ ताकि इनको ना खिड़की दिखे ना, तो यार नेड ये कर नहीं पाएंगे आसानी से। तो गाइस अगर अभी तक किसी बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो भाई ठोक दो, क्योंकि यार चिकन डिनर आपको देखने वाला है, अभी काफ़ी तगड़ा चिकन निकलने वाला है। बस यार देखो आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, आपको ये सीखना है। ठीक है इस वीडियो से देखो भाई मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जोन छोटा है, बंदे भाई देखो 9 अलाइव है अभी मेरे अलावा, मतलब मेरे अलावा 8 बंदे अलाइव हैं, और यहाँ पे भाई फिर से पट रही है यार। वो दूर वाला बंदा इतना दिमाग खा रहा है ना मेरा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है उसको भाई कुत्ते की मौत मारूंगा मैं, अभी देखते जाओ बस। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी मतलब फर्स्ट एड मारता हूँ, रेडी हो जाता हूँ भाई फाइट की लेने के लिए। मतलब मैं सोचता हूँ भाई कब तक बैठा रहूँगा, तो कुछ यहाँ पे मेरे को एक्शन लेने पड़ेंगे, और भाई मैं यहाँ पे एक्शन लेता हूँ। ठीक है अब देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पहले तो अपने लिए स्मोक बनाता हूँ क्योंकि यार वो DP वाला दिमाग खा रहा है, और भाई जोन भी आ चुका है यहाँ पे, तो यार मेरे को जोन के अंदर भी जाना होगा। सो गाइस ऊपर मैं कर देता हूँ मॉली, इन पे यार थोड़ा सा प्रेशर बनाता हूँ मैं। ठीक है जहाँ जहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा था बंदे बैठे हुए हैं फुट्स आ रहे हैं, मैं वहाँ पर मॉली फेंकता हूँ, और यहाँ पर भाई कर देता हूँ रश इस वाले घर में। मैं सोच रहा अंदर जाऊं लेकिन भाई ये देखो। सो गाइस वहाँ पे मैं जानबूझ के ज़्यादा देर तक नहीं रहता उस खिड़की पे, क्योंकि भाई पीछे DP वाला है जिसको भाई मैं मारूंगा अभी, बहुत गंदा मारूंगा। ठीक है इसको तो भाई तड़पा तड़पा के मारेंगे, ठीक है नॉक करके छोड़ दूंगा इसको, डोंट वरी। तो गाइस ऊपर वाले बंदों पर अब रश मारने की बारी है, तो देखो भाई किस तरीके से रश करूँगा यहाँ पर और किस तरीके से निपटाते हैं उनको। सो गाइस यहाँ पे मैं फुट ले रहा था, और मेरे को भाई साउंड आती है कि ये बंदे ना किसी को मतलब स्कारल से मार देता है इनमें से एक बंदा। सो गाइस इसको निपटाता हूँ पहले, एक बंदा हो रहा है यहाँ पे भाई, फुट आ रहे थे इसके तो भाई मार देता हूँ। और भाई वेस्ट देखो मतलब कितना ही बचाऊँ, एक गोली और लग जाती ना भाई मैं मर जाता, उस पर 7 की कोई गन होती ना तो शायद भाई मैं मर जाता, शायद उसने मेरे को M4 से मारा है। ठीक है बट कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे हम बच जाते हैं। अब बारी है भाई DP वाले की, ये रहा हरामखोर।
अभी भी भाई डीपी लेके ही भाग रहा है। ठीक है, मैं नहीं मानने वाला इसको, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा भाई तड़पता हुआ। ठीक है, कोई और किल चोरा है कोई बात नहीं, लेकिन भाई तड़पा के मारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है वो ये वॉल्यूम रिस्टोर आ रहा है फालतू में। सो गाइस, इसका एक बंदा यहाँ पे है स्क्वाड हाउस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो गाइस देखो, मेरे को जाना है जोन में, 46 सेकंड बाद जोन आने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे रह के फाइट लूँ, जो कि मैं नहीं लेने वाला, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से फिर से अगेन भाई, निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यार ये आप करो। ठीक है, एक बंदे को देखो मैं नॉक दे चुका हूँ, एक बंदा स्क्वाड हाउस में, और जो एक और बंदा बचा हुआ है ना वो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेरे को बाकी बचे हुए तीनों बंदों की लोकेशन पता है। सो भाई अब मैं इजीली आराम से बिल्कुल एंगल के साथ खेलूँगा और भाई चिकन निकाल लूँगा। अब देखो भाई क्या करूँगा यहाँ पे मैं। सो गाइस, इस टावर के अंदर यार थोड़ी सी मतलब थोड़ा जोन बचा हुआ है, सो यहीं से लेंगे अब बाकी अपनी फाइट और ख़त्म कर देंगे सारे बंदों को। बच गया भाई ये वाला, कोई बात नहीं भाई। सो गाइस, वो बंदा ना बग्गी में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना बग्गी का पीछे वाला टायर भाई फट रखा है, तो भाई नहीं भाग सकता। ये रहा भाई वो डीपी वाला, इसको पूरा ख़त्म कर देता हूँ मैं। अब इसको एक गोली पड़ी, मैं सोचा था इसको ना M24 से ही मारूंगा, लेकिन भाई ये हराम खोर यार जोन के बाहर पहुँच गया। तो यार वो बंदा जोन के बाहर जाके मर जाता है, इसके साथ मैं वो चीज़ नहीं करता भाई। मैं यहाँ पे ये नहीं सोच रहा था कि इसको M24 से मारूं, इसको भाई सीधा अपनी M4 से मारते हैं। सो गाइस, कितना ख़तरनाक चिकन था यार ये, मतलब मज़ा ही आ गया यार मेरे को ये गेम खेल के, सबसे बढ़िया मज़ा आया भाई, ये सबसे बेस्ट गेम था मेरा। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, एंड्रॉइड पे खेलता है तुम्हारा भाई। ठीक है, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।